हेलो, गुड मॉर्निंग बेटा, कैसे हैं आप लोग? हम लोगों ने बेटा जी अपना टॉपिक पढ़ना शुरू किया था रेस्पिरेटरी सिस्टम, और हम उस टॉपिक में खत्म कर चुके हैं बेटा जी अबाउट द ब्रीदिंग, जिसे आपने कहा था पल्मोनरी वेंटिलेशन। हम खत्म कर चुके हैं बेटा जी यहाँ पे एक्सचेंज ऑफ गैसेज, हम खत्म कर चुके हैं बेटा जी यहाँ पे आपका ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेज, एंड इवन हमने लास्ट लाइव क्लास में बेटा जी अपनी बातें की थी यहाँ पे ऑक्सी हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व के बारे में, और हमने बातें की थी बेटा जी अबाउट द रेगुलेशन ऑफ द नर्वस सिस्टम, रेगुलेशन ऑफ द रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में। अब आज के इस वीडियो में हम क्या बात करेंगे आपके साथ, हमारी एनसीईआरटी बुक में, हमारे सिलेबस में कुछ वर्ड और दिए हुए हैं, जैसे कि एक वर्ड आता है बेटा जी अबाउट द वॉल्यूम चेंज ड्यूरिंग द ब्रीदिंग, डिफरेंट टाइप के कुछ रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स हैं जिनके बारे में हमें बात करनी है आपके साथ में। इस वीडियो में एक छोटा सा वीडियो आपके लिए बना रहा हूं, और ये वीडियो में सिर्फ डील करूंगा अबाउट द रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स के बारे में, जो क्या क्या है जरा उनकी बातें शुरू करते हैं। ये ब्रीदिंग का ही एक पार्ट है जिसे आपको समझना है। मैंने सबसे पहले एक वर्ड लिखा टाइडल वॉल्यूम, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं टीवी। मैंने जैसा कि वर्ड बोला अभी कि हम यहाँ टॉपिक पढ़ने वाले हैं रेस्पिरेटरी वॉल्यूम का, मतलब कि जब हम ब्रीदिंग करते हैं, हम ब्रीथ इन और ब्रीथ आउट करते हैं, तो एयर इनहेल होती है और एयर एक्सहेल होती है, तो क्या वॉल्यूम ऑफ द एयर नॉर्मली अंदर जाती है या बाहर आती है, तो कैसी कैसी वर्ड यहां आएंगे हम उसके बारे में आपके साथ में डील करने वाले हैं। अब सोच के देखिएगा, एक पर्सन नॉर्मली ब्रीदिंग करता है 12-14 टाइम्स पर मिनट, तो जब वो ब्रीथ इन करता होगा, ब्रीथ आउट करता होगा ड्यूरिंग ए नॉर्मल ब्रीदिंग, तो एक वॉल्यूम ऑफ एयर को वो इनहेल करता होगा, एक वॉल्यूम ऑफ एयर को एक्सहेल करता होगा। तो मैं कहूंगा ड्यूरिंग ए नॉर्मल ब्रीदिंग द वॉल्यूम ऑफ एयर इनहेल और एक्सहेल, मैंने वर्ड बोला द वॉल्यूम ऑफ एयर इनहेल और एक्सहेल इज नोन एज टाइडल वॉल्यूम। नॉर्मल ब्रीदिंग में जो आप एयर को इनहेल और एक्सहेल कर रहे हो, वो वॉल्यूम ऑफ एयर क्या कहलाएगी बेटा जी आपके यहाँ पे, टाइडल वॉल्यूम। अब पॉइंट आता है यहाँ पे, सर कितना क्वांटिटी एयर को इनहेल या एक्सहेल करते हैं, तो उसका आंसर होगा बेटा जी आपका यहाँ पे 500 ml। मैं अगर एक छोटे से ग्राफ के थ्रू बातें करूं तो हम कुछ ऐसी बात कर रहे हैं कि नॉर्मल ब्रीदिंग की बात करते हैं, तो आपने कहा सर इनहेल एक्सहेल, इनहेल एक्सहेल, ये जो हम कर रहे हैं ये इंडिकेट हो रहा है बेटा जी यहां पे टीवी, टाइडल वॉल्यूम, जिसकी वॉल्यूम कितनी है बेटा जी यहां पे 500 ml, जिसकी क्वांटिटी है। अब कुछ चेंज कर देते हैं हम आपके लिए पेपर के अंदर, टाइडल वॉल्यूम पर मिनट कितना होता है, ये तो मैंने कहा ड्यूरिंग ए सिंगल ब्रीदिंग में जो वॉल्यूम ऑफ एयर आप इनहेल और एक्सहेल कर रहे हैं वो कितना है बेटा जी यहां पे 500 ml है, बट टॉपिक चेंज करके मैंने बोल दिया टाइडल वॉल्यूम कितनी होगी पर मिनट में। तो अब आपको ये पता है कि हमारा ब्रीदिंग रेट जो होता है, जो हमारा ब्रीदिंग रेट होता है वो कितना होता है बेटा जी हमारा 12-14 टाइम, तो आप इसे 12 के साथ क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो, तो मैंने बोला 500 × 12 अप्रोक्स 6000 ml हमारी टीवी की वैल्यू हो जाएगी पर मिनट के हिसाब से। चलिएगा अगले टॉपिक पे आते हैं। मैंने नाम बोला इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। अब जो वर्ड लगा दिया कि हमने रिजर्व वॉल्यूम के साथ वर्ड लगाया इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, ये कितनी हो जाएगी, आपने कहा सर मैंने नॉर्मल ब्रीदिंग की और उसके बाद मैंने फोर्सफुली और भी एयर को इनहेल किया, तो जो वॉल्यूम ऑफ एयर मैं फोर्सफुली इनहेल करूंगा आफ्टर ए नॉर्मल ब्रीदिंग के बाद, नॉर्मल मैंने ब्रीथ इन किया और उसके बाद मैंने कितना फोर्सफुल और इनहेल कर लिया, वो जो वॉल्यूम होगी वो कितनी कहलाएगी आपके यहाँ पे, इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम कहलाएगी वो आपकी, जिसे शॉर्ट फॉर्म में हम नाम देंगे IRV। मतलब समझिएगा मैं क्या बोल रहा हूं, मैंने ब्रीथ इन किया नॉर्मल, उसके बाद मैंने और ज्यादा किया फोर्सफुली, तो आपने कहा सर यहां तक तो था टीवी, और अब ये जो वर्ड आपका आ गया जो आपने फोर्सफुली किया है ये क्या है, IRV है। जरा समझते दोबारा से, मैंने नॉर्मल ब्रीथ इन किया, मैंने नॉर्मल ब्रीथिंग किया, एक वॉल्यूम को मैंने इनहेल कर लिया 500 ml को, अब
उसके बाद मैंने और फोर्सफुली इनहेल किया हवा को, तो मैं कहूंगी ये मैं जबरदस्ती फोर्सफुली इनहेल कर रहा हूं, तो वो बन जाएगी आईआरबी। जो आपने नॉर्मल ब्रेथ इन के बाद में फोर्सफुली किया है वो है बेटा जी आईआरबी। और इसका वॉल्यूम होती है बेटा जी अप्रोक्स आपकी 2500 टू 3000 ml। यहीं पर मैं एक वर्ड और लिख देता हूं आपके लिए, इंस्पिरेटरी कैपेसिटी, कि भाई हमारी कितनी कैपेसिटी है ब्रीथ इन करने की। तो आप कहोगे सर मैंने पहले तो टीवी किया उसके बाद मैंने फोर्सफुली और किया, तो इन दोनों का अगर मैं मिला दूं तो ये बन जाएगा मेरा आईसी, मतलब इंस्पिरेटरी कैपेसिटी। तो ये क्या हो जाएगा आईआरबी प्लस में टीवी, कितना बन जाएगा आपका यहां पे, आपने कहा सर अप्रोक्स 3000 ml प्लस में 500, तो आंसर आ जाता है 3500 ml। तुम और अच्छी लाइन कह सकता हूं सर ये डाटा वेरी करेगा 3000 टू 3500 ml तक। क्यों भाई हमें नहीं कहा था 25 टू 3000, तो अगर 25 में या 5 जोड़ोगे तो 3000 बन जाता, तो ये पूरी कैपेसिटी कहलाएगी आपकी इंस्पिरेटरी कैपेसिटी। इसी से मिलता जुलता एक वर्ड लेके आते हैं, एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म बोलते हैं बेटा जी ईआरबी। जैसे अपने आईआरबी की बात की मैं, वैसे इसके बारे में बात करता हूं आपसे कि भाई मैंने जब नॉर्मल ब्रीदिंग किया उसके बाद मैंने फोर्सफुली और कितनी हवा को बाहर निकाला, देखो जरा यहां पे मैं, मुझे एक नॉर्मल हवा निकालना था, मुझे नॉर्मल हवा निकालने के बाद मैंने और कितना जबरदस्ती हवा को बाहर निकाला, जरा समझ के देखिएगा। मेरी ये वैल्यू जो है वो तो टीवी है कि मैं नॉर्मल ब्रीदिंग में कितनी हवा को छोड़ रहा हूं, उसके बाद भी फोर्सफुली मैंने और कितना छोड़ा, ये मेरी क्या बन जाएगी बेटा जी यहां पे आपकी ईआरबी। आफ्टर ए नॉर्मल ब्रीथ आउट द वॉल्यूम ऑफ एयर एक्सहेल फोर्सफुली, नॉर्मल ब्रीथ आउट के बाद मैंने फोर्सफुली और कितनी हवा बाहर निकाली, वो जो वॉल्यूम ऑफ एयर है वो क्या है बेटा जी अपने यहां पे ईआरबी है। और इसका डाटा कितना होता है बेटा जी 1000 to 1100 ml। अब दिमाग में एक पॉइंट आया होगा सर हम जबरदस्ती हवा जो लेते हैं वो हवा तो होती है 2500 से 3000, जबकि हम फोर्सफुली जो हवा बाहर निकालते हैं वो तो सर इतनी ही रहेगी, तो ये डिफरेंस क्यों आया। तो मैं कहूंगा भैया जी आप कितना भी फोर्सफुली हवा को निकालो बट एक वॉल्यूम ऑफ एयर है जो हमेशा आपके लंग्स में रहेगी रहेगी, ऐसा नहीं हो सकता कि आप फोर्सफुली हवा बाहर निकालोगे तो पूरा लंग्स आपके खाली हो जाते हैं, उन एनालाइज 300 मिलियन उनमें कुछ हवा हमेशा भरी रह जाती है। तो मैं कहूंगा जो हवा लंग्स में रह जाती है आफ्टर द फोर्सफुल एक्सपिरेशन वो कहलाती है बेटा जी यहां पे रेसिडुअल वॉल्यूम। सोच के देखो बेटा, अगर जब आप ब्रीथ आउट करते हो फोर्सफुल और उस टाइम पे सारी हवा बाहर निकल जाएगी तो मतलब लंग्स आपके बिल्कुल वैक्यूम होंगे, तो उस टाइम पे एक्सचेंज वगैरह कैसे होगा, ब्रीथ इन ब्रीथ आउट कर रहे हो बट हमेशा एक वॉल्यूम आपके लंग्स में रहती है जो लगातार आपके एक्सचेंज में चलती रहती है। तो मैं कहूंगा फोर्सफुल ब्रीथ आउट करने के बाद भी जो वॉल्यूम ऑफ एयर आपके लंग्स में प्रेजेंट है वो कहलाएगी रेसिडुअल वॉल्यूम। तो डेफिनेशन क्या लिखेंगे हम यहां पे, द वॉल्यूम ऑफ एयर दैट रिमेन विद इन द लंग्स आफ्टर ए फोर्सफुल एक्सपिरेशन, ए फोर्सफुल ब्रीथ आउट, एक आपने फोर्सफुल ब्रीथ आउट कर दिया उसके बाद भी एक वॉल्यूम ऑफ एयर आपके लंग्स में रह गई, वो वॉल्यूम क्या है बेटा जी यहां पे रेसिडुअल वॉल्यूम।
और ये कितनी है, तो आप कह सकते हो सर 1100 टू 1200 एम्बल आपकी है। यानी कि मैं कह रहा हूं आपने जब फोर्सफुल कर लिया, तो मैं डायग्राम में अगर थोड़ा सा चेंज करूं, मैं डाटा हटा देता हूं, थोड़ा डायग्राम की बात करते हैं ग्राफ के थ्रू कि सर ये वाला तो हमारा ईआरवी रहेगा, इसके बाद भी हमारे लंग्स में एक वॉल्यूम अभी भी रहेगी। आपने कितना फोर्सफुली हवा को बाहर निकाला, उसके बाद भी एक वॉल्यूम बेटा जी आपकी रह गई, तो मैं कहूंगा वो जो रह गई वो क्या है बेटा जी, आपकी आरवी है। अब भैया जी नीट का फेवरेट क्वेश्चन आता है, ये पास टॉपिक हो गया, हम चक्के पे आते हैं। नीट का फेवरेट क्वेश्चन, क्या फेवरेट क्वेश्चन है बेटा जी? फंक्शनल रेसिड्यूअल वॉल्यूम क्या है सर, एफ आर वी क्या है? सोच के देखो, अगर आपने जबरदस्ती हवा बाहर ना निकाली होती, भाई जबरदस्ती निकालने के बाद भी ये हवा तो रह रही है अंदर आपकी, बट अगर आपने इसे भी ना निकाला होता फोर्सफुली, तो ये हवा भी कहां रहती है, आपके लंग्स में रहती है, और ये हवा भी अगर लंग्स में रहती तो ये भी एक्सचेंज के प्रोसेस में, एल्वोलाइन और ब्लड के एक्सचेंज के प्रोसेस में ये भी तो क्या होती आपकी इन्वॉल्व होती, क्योंकि नॉर्मल ब्रीथिंग में तो आपने ये हवा ब्रीथ इन और ब्रीथ आउट करी जो कि 500 ml है। आपने नॉर्मल ब्रीथ आउट करने के बाद एक फोर्सफुली हवा को बाहर निकाला, वो ईआरवी था, बट अगर ये ना निकालते थे, लंग्स में रहती और लंग्स में ही रहती, तो ये भी क्या होती है आपके बेटा जी, लंग्स के अंदर जो फंक्शन चल रहा है बेटा जी आपका एक्सचेंज ऑफ गैसेस, उसमें ये भी तो क्या होती इन्वॉल्व होती। आप इसे जब निकाल देते हो तो खाली क्या बचता है, आरवी जो फिलहाल इन्वॉल्व हो रही है। तो मैं कहूंगा अगर नॉर्मली देखा जाए तो फंक्शनल रेसिडुअल वॉल्यूम क्या है, तो मैं कहूंगा ये ईआरवी प्लस में आरवी दोनों को मिला के क्या बोलते हैं बेटा जबकि यहां पे एफआरवी। बड़ा जबरदस्त टॉपिक है बेटा, ये जबरदस्त टॉपिक है, पक्का आपको आपके कमिंग टेस्ट में यहां से क्वेश्चन दिखाई देंगे और आपको समझना है क्या कह रहा हूं अंशु। मैं समझ के देखो बात को, मैं नॉर्मल ब्रीथिंग कर रहा हूं तो एक हवा मेरे लंग्स में भरी रही हुई है, वो मेरी फंक्शनल रेसिडुअल वॉल्यूम है। अब देखो मैंने क्या किया, नॉर्मल ब्रीथिंग के बाद में एक फोर्सफुल काम करूंगा, हवा निकाली जा रहा हूं बाहर, अगर ये हवा ना निकालता तो अंदर ही तो रहती ना, और अगर अंदर रहती तो ये उस फंक्शन में क्या होती इन्वॉल्व होती, तो जबरदस्ती जो निकाली वो क्या है ईआरवी, उसके बाद भी जो बच गया वो क्या है आरवी, ये दोनों का अंदर यूज हो रहा था इन द एक्सचेंज ऑफ द गैसेस में, तो मैंने इसको क्या बोला ये एफआरवी है, ये क्या है एफआरवी है। ओके अगले वर्ड पे आते हैं, एक वर्ड और आ जाता है डेड स्पेस वॉल्यूम। डेड स्पेस वॉल्यूम ये क्या है, कुछ ऐसी वॉल्यूम ऑफ द एयर है बेटा जी जो कभी ना तो एल्वोलाई तक पहुंचती है और वो जो कभी एक्सचेंज में यूज ही नहीं होती है। आप सोच के देखिएगा, आपने कहा सर ट्रेकिया, ब्रोंकाई, ब्रोंकियोस, एट्रियम, ये जो पाइप है कुछ हवा तो इनमें भी तो रहती होगी ना, जो ना लंग्स तक पहुंची, जब आपने ब्रीथ आउट किया तो जो बाहर आ गई, फिर ब्रीथ इन करते हो तो लंग्स तक पहुंचती ही नहीं है। आप ऐसा कहते हो सर मैंने पानी की ट्यूब बिछा रखी है, मैंने यहां से नल चलाया, वो पानी वहां निकला, बट कुछ पानी ऐसा भी तो होगा जो उस नलकी में ही रह गया होगा, कुछ पानी ऐसा भी तो होगा जो उस नलकी में ही रह गया होगा। वैसे सोच के देखो, आपका पूरा जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है उसमें पाइपिंग ही पाइपिंग तो हो रही है सर, ट्रेकिया टूटा प्राइमरी ब्रोंकाई में, फिर वो टूटा सेकेंडरी में, फिर वो टूटा टर्शियरी में, फिर आपका ब्रैंकियल की ब्रांचिंग हो गई, फिर सर उसके आगे आगे आपके और बाकी ब्रांचेस यहां पे, तो आपने कहा सर इस तरह से बहुत सारा ब्रांच स्ट्रक्चर है, तो पाइपें खाली कोई ना रहती है, जो आप ब्रीथिंग करते तो कुछ वॉल्यूम तो उन पाइपों में ही रह जाती है, तो वो जो विद इन द
रेस्पिरेटरी पैसेज में जो हवा रहेगी वो वॉल्यूम ऑफ द एयर क्या कहलाएगी बेटा जी आपके यहां पे डेड स्पेस वॉल्यूम दैट रिमेन विद इन द रेस्पिरेटरी पैसेज एंड दैट नेवर रीचेज अप टू द रेस्पिरेटरी साइट वो वाली क्या है बेटा जी यहां पे डेड स्पेस वॉल्यूम है और ये कितनी होती है बेटा जी अप्रोक्स 150 ml अप्रोक्स 150 ml इसकी होती है वॉल्यूम बेटा जी। एक मिनट, ये आपके अभी तक के टॉपिक हो गए हैं। अब इसके बाद दो वर्ड और आते हैं बेटा जी, अगला वर्ड आता है बेटा जी वाइटल कैपेसिटी, जिसे हम बोलते हैं वीसी। वर्ड को सुनना, द मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर ए पर्सन कैन ब्रीथ इन आफ्टर ए फोर्सफुल ब्रीथ आउट। समझ कर देखो मैंने क्या बोला, आपने फोर्सफुल ब्रीथ आउट किया, आपने फोर्सफुल ब्रीथ आउट किया मतलब आपने ईआरवी किया, उसके बाद आपने कितना मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एयर को ब्रीथ इन कर लिया, आपने पहले टीवी किया फिर आपने आईआरवी किया, तो ये आपकी कहलाएगी वाइटल कैपेसिटी। मैं एक और डेफिनेशन बनाता हूं, द मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ द एयर ए पर्सन कैन एक्सहेल आफ्टर ए फोर्सफुल ब्रीथ इन। मैंने कहा उसने फोर्सफुल ब्रीथ इन करने के बाद वो कितनी मैक्सिमम हवा को बाहर निकाल सकता है, तो उसने टीवी को निकाला होगा और उसने ईआरवी को निकाला होगा, तो भी तो डेफिनेशन वही बनी, बस बोलने का अंदाज अलग अलग है। निधि क्या बोला मैंने, द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एयर ए पर्सन कैन ब्रीथ इन आफ्टर ए फोर्सफुल ब्रीथ आउट, आपने फोर्सफुल ब्रीथ आउट किया मतलब आपने ईआरवी किया, उसके बाद कितनी हवा आप मैक्सिमम ले सकते हो वो क्या है आपकी वाइटल कैपेसिटी। तो आपने कहा सर मैंने ईआरवी के बाद क्या हो गया होगा, टीवी लिया होगा, टीवी के बाद मैंने क्या किया फोर्सफुल ब्रीथ इन किया तो आईआरवी लिया होगा। डेफिनेशन चेंज करता हूं, मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर ए पर्सन कैन ब्रीथ आउट आफ्टर ए फोर्सफुल ब्रीथ इन, उसने फोर्सफुल ब्रीथ इन किया उसके बाद वो मैक्सिमम कितनी हवा को बाहर निकाल सकता है, तो पहले टीवी को निकालेगा फिर क्या निकालेगा ईआरवी को निकालेगा, तो डेफिनेशन तो वही सेम सेम है ना, तो आप ब्रीथ इन भी कह सकते हो ब्रीथ आउट भी कह सकते हो, डेफिनेशन आप दो लिख सकते हो। ये जो कैपेसिटी है वो क्या कहलाएगी आपकी वाइटल कैपेसिटी। इस ग्राफ में देखते हैं यहां पर, तो मैं कहूंगा ये वाली जो कैपेसिटी है ये है बेटा जी वाइटल कैपेसिटी, तो आप इसमें इन तीनों चीजों को जोड़ दो वो बन जाएगी आपकी वाइटल कैपेसिटी। अगला वर्ड आता है 9, लंग्स कैपेसिटी। सर लंग्स की कैपेसिटी कितनी, तो देखो मेरे भाई ये वीसी लंग्स की कैपेसिटी में है, पर लंग्स में एक चीज और भी तो बच गई, कौन सी बेटा जी आपकी यहां पे आरबी, तो मैं कहूंगा इसको अगर सबको जोड़ दोगे तो वो क्या बन जाएगा लंग्स कैपेसिटी, मतलब वीसी प्लस में आरबी को जोड़ दो वो बन जाती है लंग्स कैपेसिटी। अब ये वॉल्यूम आपको खुद कैलकुलेट कर करके लिखनी है, क्योंकि मैंने आपको ईआरवी की वैल्यू दे दी, मैंने आपको आरवी की वैल्यू दे दी, मैंने तो आपको एफआरवी ऑटोमेटिक काउंट कर लेना है, मैंने आपको ये सब वैल्यू दे रखी, इन वैल्यूज को जोड़ते जाइएगा तब जाके बात होती है कि डिफरेंट वैल्यूज आ जाएगी, कैलकुलेट द लंग्स कैपेसिटी ऑफ ए पर्सन, तो आपको बतानी है क्या है क्या नहीं। आ जाए वाइटल कैपेसिटी ऑफ ए पर्सन, तो आपको बताना है कितनी है कितनी नहीं, उनको कैलकुलेट करने हैं आपको, सब उनके डाटा को मेजर करने हैं आपको, यहां पे ये बात होती है। अब एक क्वेश्चन आता होगा दिमाग में आपके में, सर हम इन्हें मेजर कैसे करते हैं और इनमें से वो कौन कौन सी वॉल्यूम है जिन्हें हम मेजर कर सकते हैं, तो मैं कहूंगा इनको मेजर करने का इंस्ट्रूमेंट आता है उसका नाम होता है स्पायरोमीटर।
क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है हमसे, हमारे इंसेंट बुक में भी नाम लिखा गया है इसका और बहुत बार नीट में आया क्वेश्चन है बेटा जी. नेम द इंस्ट्रूमेंट दैट इज यूज्ड टू मेजर रेस्पिरेटरी वॉल्यूम. वो है बेटा जी आपका स्पाइरोमीटर. मैं अगर आपसे पूछू इतनी टेबल्स में आपको जो इतना ग्राफ की चीज दिखाई दे रही है, इनमें से कौन सी वो वॉल्यूम है जिसे आप मेजर नहीं कर सकते? सोच के देखो, आपने वो इंस्ट्रूमेंट लिया और फिर आप ब्रीथ इन कर रहे हो, तो आप टीवी को मेजर कर सकते हो कि आपने कितना लॉन्ग ब्रीथिंग ब्रीथ इन किया, आपने फोर्सफुली कितना किया, आप कितना निकाल रहे हो बाहर, आप उसे भी मेजर कर सकते हो. आप फोर्सफुली कितना ले रहे हो, फोर्सफुली कितना छोड़ रहे हो, दोनों का आप यहां पे कैलकुलेट कर सकते हो बेटा जी, क्योंकि ये एक्सचेंज होने लग रहा था. आपने कितना नॉर्मल ब्रीथ इन किया मेजर हो जाएगा, कितना फोर्सफुली किया मेजर हो जाएगा, कितना फोर्सफुली छोड़ा मेजर हो जाएगा, ये सब चीज मेजर हो जाएगी. बट क्या ये मेजर हो सकता है? आप डॉक्टर के पास जाते हो, ये कहते हो मेरा आरवी कैलकुलेट करके बताओ, मेरा आरवी कैलकुलेट करके बताओ, तो क्या ये हम स्पाइरोमीटर से कैलकुलेट कर सकते हैं? तो इसके ऊपर ये क्वेश्चन बनता है, विच वॉल्यूम इज नेवर मेजर्ड बाय द स्पाइरोमीटर. तो याद रखना, इट्स रेसिडुअल वॉल्यूम जो कभी मेजर नहीं की जा सकती. अब ऑप्शन देखो क्या क्या बनाए आपके लिए. जिन वॉल्यूम ऑफ द एयर में आरवी यूज होने वाली है वो कोई भी चीज आप कैलकुलेट नहीं कर सकते, जैसे कि आप एफआरवी को कैलकुलेट नहीं कर सकते क्योंकि वहां पे आरवी है. आप बेटा जी वाटर कैपेसिटी कैलकुलेट कर लोगे, बट आप कभी लंग्स कैपेसिटी को कैलकुलेट नहीं कर पाओगे क्योंकि इसमें क्या है आपका आरवी है. तो याद रखना, लंग्स कैपेसिटी आपकी बेटा जी एफआरवी एंड आरवी, तीन ऐसी चीज है. मैंने क्या क्या बोला, एफआरवी, लंग्स कैपेसिटी एंड आरवी, दीज थ्री वॉल्यूम कैन नेवर बी मेजर्ड बाय द स्पाइरोमीटर. आई एम नॉट सेइंग कि हम मेजर नहीं करते, मैंने कहा हम स्पाइरोमीटर जो कि एक सिंपल इंस्ट्रूमेंट है जो ये बताता है कि आप कितना नॉर्मल ब्रीथ इन करते हो, कितना ब्रीथ आउट, तो इंस्ट्रूमेंट के थ्रू हम बेटा जी मेजर कर लेते हैं कि मेरा क्या ये डिफरेंट वॉल्यूम है, बट हम कभी इस स्पाइरोमीटर से इन तीन चीजों को कैलकुलेट नहीं कर पाते हैं. ये क्वेश्चन आपको कमिंग टेस्ट में दिखाई दे सकता है, देखना वहां पे ऑप्शन क्या क्या बनाए गए. तो याद रखना, एक ही वॉल्यूम है मेन जो हम नहीं कर पाएंगे, वो के आरवी, जहां जहां आरवी यूज होगा उसे हम कैलकुलेट नहीं कर पाते. मैं बार बार बोल रहा हूं, बाय यूजिंग द स्पाइरोमीटर हम उसे कैलकुलेट नहीं कर पाते. ये डिफरेंट वॉल्यूम है जो मैं आपसे कहूंगा नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से बेटा जी, और मैं कहूंगा आपके कमिंग टेस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक में से अगर एक टॉपिक है तो वो क्या है बेटा जी आपके, ये डिफरेंट टाइप की वॉल्यूम्स. इनमें पक्का आपको क्वेश्चन मिलेगा, नीट में क्वेश्चन आते हैं इनके ऊपर, तो ये आपके लिए बड़ा जबरदस्त टॉपिक है. तो आपको ये टॉपिक खत्म करना है, फिर मैं थोड़ी देर बाद आपके लिए एक और वीडियो बना के अपलोड करूंगा जिसमें हम बातें करेंगे अबाउट द डिसऑर्डर ऑफ द रेस्पिरेटरी सिस्टम. चलिएगा बेटा, देखते रहिएगा वीडियो अपने टाइमली और अपने नोट्स बनाते रहिएगा, मुझे फोटो सेंड करते रहिएगा. ओके, थैंक यू बेटा.